एवरीवन शर्ट शर्ट के कलर से मैच करते हुए ले आया हूं न्यू एम जी हेक्टर न्यू प्लस नाउ दिस इज ऑल न्यू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एम जी हेक्टर न्यू जनरेशन इसे न्यू जनरेशन क्या बनाता है क्या फेसलिफ्ट में नाया है दिस इज सेगमेंट फर्स्ट एडासवल टू जिसमें इलेवन ऑटोनॉमस फीचर्स आते हैं अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं तो फ्रंट कॉलिजन वार्निंग आती है लेन डिपार्चर वार्निंग आती है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग आती है जो लिमिटेड ब्रेकिंग लगाता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जिससे कॉलिजन बच सकता है के साथ कलर्स आते हैं गाड़ी के अंदर धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा इंटीरियर से रिलेटेड एक्सटीरियर से रिलेटेड परफॉर्मेंस कैसी है इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं एक है वही वन पॉइंट फाइव लीटर टर्मोचार्ज इंटरकूल्ड इंजन ट्रांसमिशन उसमें आ जाता है एक मैनुअल सिक्स स्पीड का और दूसरा सीबीटी गाड़ी के फ्रंट की बात करते हैं एडास से रिलेटेड जो भी कैमरा सेंसर है विंडशील्ड में लगे हैं क्लोजअप आप लोग देख रहे होंगे और मेटिक्स टाइप टर्न इंडिकेटर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो फोगलैम्प है गाड़ी के वो कॉर्नरिंग फोगलैम्प है एल ई में ही आते हैं क्रोम इंसर्ट्स बहुत ही ज़्यादा है शुरू हो जाता है यहाँ से लेकर पूरा क्रोम है यहाँ तक फिर एक स्ट्रिप यहाँ पे है यहाँ पे पार्किंग सेंसर है एक इधर है एक उधर है ये पूरा जो है क्रोम में है पूरी ग्रिल क्रोम में है एम का बड़ा से लोगों एंड दिस इज़ कैमरा फोर थ्री डिग्री बेसिकली कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है आई एम गोना शो यू और आगे ज़्यादा कुछ नहीं है और इंजिन से रिलेटेड हमने बातें कर ही ली थी गाड़ी के अगर नज़दीक जाओगे तो वेलकम फीचर भी है ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है मिरर खुल गए सो so, एक एक चीज अभी बात करते हैं लेकिन बहुत जल्दी क्योंकि ड्राइविंग रिव्यू भी आने वाला है गाड़ी का फटाफट इसी वीडियो में यहाँ भी क्रोम स्ट्रिप है यहाँ पे मोरिश गाज यानी एम का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड क्लियर इज हंड्रेड एंड सेम है जो पहले वाली गाड़ी का था और ये जो बेल्ट लाइन है विंडो की इस पे भी क्रोम है फंक्शन रूफ फ्रेल्स गाड़ी के अंदर आती है ये जो सी पिलर है ये ग्लास इसमें पूरा मैच होता है वो दिखाई देता है तो एक लंबी सी जो है लोग गाड़ी को साइड से मिलती है टायर सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डोएल्टन एलाउल्स जिसमें आ जाते हैं अभी गुडियर के टायर्स एंड टायर सेक्शन इज टू वन फाइव 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 फिफ्टी फाइव आर एटीन तो ये जो है टायर सेक्शन गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा एंड दिस कलर इज ग्ले रेड अच्छा क्विकली रेयर साइड गाड़ी के डिस्कस करते हैं शार्क फिन एंटीना और अपना स्पोलर हाई माउंस्ट स्टोपलैम डिफोगर हो गया और अपना वाइपर और ये बूट खुल गया है क्योंकि रिमोट मेरे पास है तो आप खोल सकते हो बूट स्पेस इज बाई दाइव हंड्रेड एंड एटी सेवन लीटर्स और जो आपका स्पे टायर है वो गाड़ी के नीचे लगा हुआ है यहाँ पे गाड़ी का जो है बैटरी पैक है क्योंकि एक हाइब्रिड व्हीकल है और चार पार्किंग सेंसर आते हैं एक दो दो चार क्रोम इंसर्ट्स काफी ज्यादा है अगेन इसको बंद करके बात करते हैं अब एलईडी का सेटअप जो है गाड़ी में पूरा टेल लैम्प का पूरा एल सेटअप है और ये जो है पूरा ग्लो करेगा जब आप लाइट ऑन करोगे पूरे एल की ये जो है स्ट्रिप है एडास वहाँ पे लिखा हुआ है क्रोम आप देख रहे हो भर भर के है यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है चलो फटाफट फ़ड़ इंटीरियर की बातें करते हैं ब्लैक एंड ओक व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन है दिस इज ओक व्हाइट इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम आता है गाड़ी में तो इंक्लूडिंग टू लगभग आठ स्पीकर आते हैं गाड़ी में और यहाँ पे बोतल होल्डर है यहाँ पे भी एक छोटी बोतल रख सकते हो दिस इज योर ग्रैब हैंडल दिस इज सॉफ्ट टच यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह भी सॉफ्ट टच है बाय द वे जो सीट है दैट इज सिक्स वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट और वेंटिलेटेड आती है वो अंदर बैठ के भी दिखाया जाएगा यहाँ पर है आपकी गाड़ी का बूट खोलने के लिए एम आई डी के एलुमिन कंट्रोल करने के लिए ये हेडलाइट बीम लेवलर ये अपना मिरर एडजस्टमेंट के लिए ये इसको फोल्ड करने के लिए ये आपके ए वेंट्स विद ब्लैक पियानो बॉर्डर स्टेयरिंग व्हील ये जो है लेदर रैप्ड है और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल के बटन इधर मिलेंगे और राइट right साइड में अगर चले जाओगे तो आपको यहाँ पे वॉइस कमांड का जो है फीचर यहाँ पे बटन मिलेगा डेडिकेटेड बटन भी है बाय द वे ये 100 प्लस इसमें वॉइस कमांड फीचर आते हैं वैसे भी कर सकते हो लेकिन बटन से भी एक्टिवेट कर सकते हो वॉल्यूम के या फिर कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट के बटन यहाँ पे है स्टेरिंग का मैंने आपको बताया दिया था टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जिस मर्जी तरीके से आप इसे एडजस्ट करिए एंड दिस स्क्रीन दिस एम आई डी इज सेवन इंचज बीच में डिजिटल है पूरी इनफैक्ट पूरी डिजिटल है वो सेवन इंचज़ की आती है इधर सेंटर में यू हैव अ मैसिव फोर्टीन इंचिज़ वर्टिकली से बोल दो दैट इज़ स्क्रीन वायरलेस ऑटो एप्पल कार्पले ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर है आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इससे जस्ट नीचे अगर आ जाओगे तो मैं आपको एक बार ये ड्राइव मोड में लगा के हाँ स्पेस बनाने के लिए दिखाता हूँ अभी देखो अच्छे से एक टाइप ए पोर्ट इधर है एक टाइप ए पोर्ट इधर है वायरलेस चार्जिंग का फीचर है एंड दिस इज अ अटी ट्रांसमिशन अभी वापस इसको पार्किंग मोड में करते हैं पी आर एन डी यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी है गाड़ी में और ये जो बटन है लेफ्ट मोस्ट ये जो है आपका को ड्राइवर साइड में वेंटिलेशन को एक्टिवेट करने के लिए चूंकि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ हैजार्ड का बटन यहाँ पे आप ए सी मैक्स एकदम फुल ब्लास्ट पे चलेगा ठीक है इसको ऑफ कर दें एंड दिस इज फॉर द ड्राइवर साइड वेंटिलेशन एक्टिवेशन उसको ऑन एंड ऑफ करें इसको अगर एक बार दबाते हैं तो ये स्पीड भी करता है अभी फुल है थोड़ा सा कम करेंगे अभी ऑफ ठीक है इसको आप ऐसे यूज़ करते हो और ये अनदर लेदर है ये सेमी हार्ड सॉफ्ट का बीच का है एकदम हार्ड भी नहीं कह सकते एकदम सॉफ्ट भी नहीं कह सकते ये पूरा यहाँ ये जो पूरा है ये पूरा सॉफ्ट टच है पे ये पूरा पियानो है इंटीरियर बहुत ही अच्छा है गाड़ी का बहुत क्लासी बनाया गया है गाड़ी में यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी है इफ़ आई फॉगोट टू मैंशन और ये यहाँ भी है और ये पूरा यहाँ तक है और चारों दरवाजों में भी है और दरवाजों में ये यहाँ पर है एकदम नीचे अगर देखोगे रात को बहुत अच्छी दिखाई देगी वैसे ये और अब बात कर ली जाए थोड़ा सा लेफ्ट में तो ग्लव बॉक्स है विदाउट एनी कूलिंग फीचर तो वो गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा और एक ऑटोमेटिक आई और सन ग्लास होल्डर या आप अपनी लाइट्स वगैरह ऑन एंड ऑफ करने के लिए और डोल पेन इसमें पेनोरामिक सनरूफ आता है ये कर्टेन सिंगल टच पीछे जा रहा है तब तक बाकी चीज़ें बता दो जब तक खुलेगा गाड़ी में एटलीस्ट सिक्स एयर बैग्स हैं बाकी कन्फर्मेशन के लिए मैं डाल दूंगा एग्जैक्ट नंबर हर जगह गाड़ी में एयरबैग है सनवाइज़र में आपको लाइट आ, मिलेगी मिरर के साथ और एलईडी लाइट है और वो यहाँ भी आता है ठीक है स्टेरिंग व्हील के लेफ्ट में आपको मिलेंगे रेन सेंसिंग वाइपर राइट में चले जाओगे तो ऑटो हेडलैम्प का फीचर है फॉलो मी होम हेडलैम्प के फीचर के साथ है अब रियर की बात करते हैं आप पीछे से आप गाड़ी देखेंगे ऐसा कुछ है ये बहुत ही अच्छा ढांचा मोल्ड यहाँ पे बना हुआ है इसको फिटिंग के लिए अच्छा लगता है एंड सनरूफ देख लो अपना और ये जो है स्लाइडिंग आमदेस्ट है ये मैं आगे बैठ के आपको फिर से दिखाऊंगा इसे और यहाँ पे ए सी इवेंट्स हैं आप फ्लो इधर उधर करिए एकदम शॉर्ट भी कर सकते हैं एकदम ऑफ हो चुका है और अभी के लिए ऑन कर लेते हैं क्योंकि गर्मी हो रही है और यहाँ आप देखोगे तो एक

और कम्फर्टेबल uh, ये जो एंगल है ये जो आप नीचे बैठते हो तो काफ़ी जो है अच्छा बैठने में कंफर्टेबल लगने वाला है जो कि लोग पीछे बैठेंगे और रिक्लाइन जो है आप अलग अलग लेवल पे गाड़ी में सेट कर सकते हो देखो ये दोनों में कितना गैप है तो आप ये आप सेट कर सकते हो क्वार्टर पैनल में क्लास है विच इंक्रीजेज योर रूमीनेस कर दे ड्राइविंग रिव्यू शुरू चलो जी एनक लगा लिए टच स्क्रीन बहुत ही जो है अच्छी है गाड़ी की पूरा ऐसा ही आप ये घुमा के देख सकते हो एंड प्लस माइनस से जूम इन जूम आउट आप करेंगे एंड ये आप कर सकते हो यहाँ पे हल्का सा जो है आधे एक सेकंड का लैग है और ये कुछ अलग फीचर्स ये डिटेल में आप बाद में जान लेना ठीक है अभी ड्राइविंग का कर करते हैं अभी तक का मैं जो बताता हूँ गाड़ी में बैठने का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा है गाड़ी में मैंने एक आधी चीज़ें नोटिस करी हैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा एक्चुअली गाड़ी में मैंने हेक्टर भी चलाई है ये हैक्टर न्यू जनरेशन में चला रहा हूँ। गाड़ी का जो बॉन विजिबिलिटी है कमेंडेबल बहुत ही जबरदस्त जो है वहां पे आपको विजिबिलिटी मिलेगी ओवरऑल बहुत ज्यादा वेट था आपको गाड़ी की जो है महसूस होगी द ग्रेट थिंग दैट मोस्ट ऑफ द इंडियन कस्टमर्स देयर कार्स और चलो लेट्स ट्राई चलिए अब इसको करते हैं ऑफ यहाँ पे हल्की हल्की नॉइज आनी शुरू हो गई है स्लो स्पीड पे वो जो है कैमरा अच्छे से एक्टिवेट होता है यहाँ पे स्क्रीन में जो आता है, जब आप गाड़ी स्लो होगी ना अभी जैसे स्लो है ठीक है अभी एक्टिवेट करोगे तो ऑन हो गया ये देखो <laughs> गाड़ी के व्हील मूव होते हुए नहीं दिखेंगे वैसे आपको सब दिखाई देगा क्लियर है ना काफी एम जी हेक्टर फेस लिफ्टनरेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ब्रेकिंग एट 110 ब्रेकिंग एट 110 थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस एबीएस की नॉइज है लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन स्कीडिंग के जीरो परसेंट चांसेस है गाड़ी के ब्रेक्स में ठीक है बस दो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी ऑल फॉर दिस ब्रेक्स के अंदर गाड़ी आती है सीवीटी ने गाड़ी की परफॉर्मेंस को क्या इंप्रूव करके दिखाया है जबरदस्त सीमलेस ट्रांसमिशन जो सीवीटीज में होता भी है कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन और मुझे स्टीयरिंग की ग्रिप गाड़ी की बहुत ही अच्छी लगी और कमाल की पावर डिलीवरी है जबरदस्त विंड नॉइज है इस साइड से बस शायद ए सी का सर्कुलेशन मुझे सुनाई दे रहा है जैसे जैसे विंड नॉइज बढ़ रही है तो यहाँ भी है एक एक कोई नॉइज है कांट फिगर आउट हो किस चीज़ की है मुझे सबसे ज्यादा जो गाड़ी के बारे में चीज अच्छी लगी वह गाड़ी का एक्सेलरेशन और जो गाड़ी का कंट्रोल है बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में हंड्रेड एंड नाइन्टी टू एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस आता है और जब सीट उसके ऊपर करता हूँ क्या विजिबिलिटी मिलती है किसी प्रकार की कोई रेटलिंग गाड़ी में नहीं है सस्पेंशन अच्छे है एक आधा ब्रेकर जंप हो गया था गाड़ी से तो वहां मैंने इसकी परफॉर्मेंस चेक करी थी बहुत स्टेबल थी गाड़ी और ज्यादा अंदर जो है वो ट्रांसमिट नहीं हुई आवाज जैसे अभी देखो मैंने चलते चलते स्टेयरिंग घुमाया और जो इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग है और फ्रंट कोलिजन डिटेक्शन है वो सारी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं और लिमिटेड ब्रेकिंग करती है अगर कुछ सामने आ जाता है तो देखो अब यहाँ पे गाड़ी है ना गाड़ी का यहाँ पे इंडिकेटर ऑन होता हुआ जो गाड़ी का यहाँ पे साइन आता है ना देखो इंडिकेटर लो, वो हो गया है और अगर ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक की लाइट हेडलाइट ऑन करोगे तो हेडलाइट लाइट यहाँ पर आ जाएगी अच्छी चीज़ है ना और स्पोर्ट्स मोड भी आता है तो चलो शिफ्ट करते हैं और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी बेसिकली क्या करती है ज्यादा आरपीएम रेंज तक एक गियर को लेके जाती है इको मोड में जल्दी जल्दी शिफ्ट करती है रियली इंप्रेस्ड बाय द कार सीवीटी ऐसे ही करता है शायद पर ये ज्यादा नॉइज है थोड़ी सी हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन मार के देख रहा था तो स्टेबल तो है गाड़ी टोल यू इट गिवस अमेजिंग स्टेबिलिटी स्पोर्ट्स मोड में देखो मुझे थोड़ी सी दिक्कत यह लगती है जैसे अभी स्पीड कितनी है तो मगर यही पे पूरा पैडल एकदम अगर मैंने फ्लोर करा दिया तो अभी से साउंड ज्यादा है ये देखो और फिर स्पीड बढ़ रही है और मुझे अब ये चीज देखनी है ये इको मोड में भी है क्या को में देखते हैं स्टेरिंग रोटेशन देखें

यही थोड़ा जल्दी कर दो बस गुड <laughs> ब्रेकिंग मेरे रिफ्लेक्सेस भी अच्छे थे इस गाड़ी के बारे में कुछ कुछ ऐसी चीजें बात करती हैं जो मैंने अभी तक इस वीडियो में नहीं करी है और सीटिंग uh, कंफर्ट थाई सपोर्ट अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छी है शोल्डर रूम काफ़ी ज्यादा है और ये जो है अब मेरे शोल्डर को यहाँ पे टच करिए जब मैं यहाँ पे जैसे अभी मैं हूँ तो मेरे शोल्डर्स अब टच कर रहे हैं पीछे तो कहीं ना कहीं जो आपको शोल्डर्स को भी रेस्ट अच्छे से देता है और हाथ यहाँ पे रखिए ये जो है एडजस्टेबल आपको रेस्ट मिलेगा तो सिटिंग कंफर्ट एर्गोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी है गाड़ी के तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर लॉन्ग रन में गाड़ी चलाते हो काफ़ी ज्यादा किलोमीटर जो आप रेंज कवर करते हो तो ये गाड़ी आपको निराश वहाँ पे नहीं करेगी बहुत ही कंफर्टेबल है एंड uh, जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की हाई स्पीड के ऊपर वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी नो डाउट गाड़ी के कैमराज बहुत अच्छे हैं बहुत ही क्लियर हैं मुझे जो नया फीचर पता लगा या मैंने पहली बार नोटिस किया होगा गाड़ी में कि जो स्टेरिंग घुमाने पे इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन होता है अगर आप स्टेरिंग एटलीस्ट नाइन्टी डिग्री को रोटेट कर देते हैं जैसे इतना थोड़ा बहुत इसमें तो नहीं होगा लेकिन अगर एटलीस्ट आप नाइन्टी डिग्री कर देते हो तो वहाँ पर इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है तो दरवाजे गाड़ी के बहुत ही हैवी हैं आप गाड़ी का बूट खोल लो बॉनेट खोल लो और गाड़ी के दरवाजे खोल लो बहुत ही हैवी है तो आपको जो मजा आने वाला है गाड़ी में स्टेयरिंग फीडबैक इज अमेजिंग जैसे मैंने अचानक यहाँ पे थ्रोटल किया तो स्टेयरिंग हार्डनेस जो है वो बढ़ गई वहां पे और उससे पहले काफी लाइट है ऑप्टिमम जितना होना चाहिए मेरा कंसर्न रहता है हाई स्पीड पे हार्डनेस अच्छी खासी होनी चाहिए जो कि है इस इस्टेरिंग व्हील में अब गाड़ी के बारे में कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही अलग है एडास लेवल का हिस्सा है इलेवन ऑटोनोमस फीचर्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो कि आप फोन से कनेक्ट करते हो गाड़ी 75 प्लस फीचर्स और 100 प्लस है वॉइस कमांड जो कि इंग्लिश में भी है नाउ आई एम गोना टेल यू सम अमेजिंग थिंग अबाउट दिस कार इसमें एक डिजिटल की शेयरिंग का ऑप्शन है डिजिटल ब्लूटूथ बना देता है सपोज आपका भाई गाड़ी लेकर जिसकी चाबी है जिसकी गाड़ी है वो अपना चाबी जेब में ले गया ठीक है वो चला गया कहीं बार बाइक पे चला गया गाड़ी घर पे खड़ी है और आप किसी को घर पे जो है उसको गाड़ी लेकर जानी है वो कैसे करेगा तो जो गाड़ी का ओनर है जो आपका भाई है वो बाहर रहे, रहे जो जहाँ भी वो है वहाँ पे खड़े खड़े गाड़ी का एक डिजिटल की बना सकता है वो मैक्सिमम दो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वायरलेसली गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी वो ये ऐसा कर सकते हैं ठीक है थीके? तो डिजिटल की है कि ये जो है शेयरिंग के इसमें ऑप्शन आ रहा है चलिए अब आपको मैं गाड़ी के कुछ कुछ अच्छे फीचर्स बता दूँ अगर आपको गाड़ी टर्न करनी है अचानक टर्न करनी पड़ गई है तो आपको इंडिकेटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है उसका मतलब क्या है अगर आप स्टेयरिंग को एटलीस्ट नाइन्टी डिग्री घुमाएंगे तो गाड़ी का इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और ये रिवर्स में भी काम करता है आगे चलाओगे तो भी काम करता है और ये ये राइट का ऑन हो गया और यहाँ पे कैमरा एक्टिवेट है बहुत ही कमेंडेबल कैमरा है गाड़ी का सराउंडिंग एकदम क्लियर आती है एंड लेट मी चेक इसमें कोई लैग है क्या वो चलाकर अभी चेक करेंगे अभी टू डी में है इसको थ्री डी थ्री डी अगर सेलेक्ट किया तो गाड़ी का पूरा ओवरव्यू है अभी हम थोड़ा सा गाड़ी चला कर देखते हैं ठीक है गाड़ी चल पड़ी है और ये देखो कोई लैग नहीं है एकदम सीमलेस टच स्क्रीन जो है गाड़ी का है अब इसको गाड़ी को रोकते हैं और टू डी अगर इसको करें तो कैमरा का निशान पड़ गया इग्नोर सो सोकॉज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो मैंने अपना रिव्यू शेयर कर दिया ऑन ऑल न्यू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एम जी हेक्टर फेस लिफ्ट एडास लेवल टू के साथ जो आ रही है और पॉजिटिव uh, नेगेटिव जो भी चीज़ें थी मैंने ऑनस्टली शेयर कर दी है वीडियो के अंदर पहले वाली एम जी हेक्टर की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में वो जाकर देख लेना अब आपको एक काम करने कमेंट करके बता दो ये गाड़ी कैसे लगी और ये वीडियो कैसे लगी दोनों चीज़ें अच्छी लगी हो तो गाड़ी खरीद लेना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना एंड मैं एम जी हेक्टर से गुजारिश करूँगा इनको बाय बोल दिया जाए गुड बाय बाय बाय